उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुरादाबाद नगर निगम पर बड़ी कार्यवाही की है। बोर्ड ने मुरादाबाद नगर निगम पर 18 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नगर निगम पर शहर के 24 बड़े गंदे नालों के पानी को बिना संशोधित किए रामगंगा नदी में गिराने का लगाया गया है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द शहर के सभी नालों को दूषित जल उपचार संयंत्र से शोधित कर पानी को गिराए जाने का आदेश दिए हैं। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुरादाबाद नगर निगम के आयुक्त को मार्च में आदेश दिया था। शहर के 24 नालों को सीधे रामगंगा नाले में गिराया जा रहा है। सभी नालों को दूषित जल उपचार संयंत्र करके रामगंगा में गिराया जाए, लेकिन नगर निगम ने बोर्ड के किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया। बोर्ड की टीम द्वारा मुरादाबाद के सभी नालों को निरीक्षण किया गया था, जिसमें से अभी केवल 6 नालों का पानी जल उपचार संयंत्र करके गिराया जा रहा है। बाकी 18 नाले का पानी सीधा रामगंगा में गिराया जा रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नगर निगम पर 18 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि सभी नालों को दूषित जल संयंत्र से जोड़ा जाए। यहाँ के लोगों में कार्रवाई से खुशी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार गंगा सफाई अभियान जैसे काम कर रही है, जबकि गंदे नाले खुलेआम नदियों में गिराए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जुर्माना लगाने का काम ठीक है, क्योंकि इससे रामगंगा नदी दूषित होने से बचेगी और नाले अपना पानी शुद्ध करके ही गिराएंगे। मुरादाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त को हम लोगों ने निर्देश दिए थे कि जो 24 नाले जा रहे हैं रामगंगा में, उसके ट्रीटमेंट की समुचित व्यवस्था करें। तो उसकी समुचित व्यवस्था न होने के कारण 18 करोड़ का जुर्माना डाला गया है। ये हम लोगों ने इनको निर्देश दिए थे मार्च में नगर आयुक्त साहब को, तो उसके जो उसमें उसके अंतर्गत उस टीम ने 58 MLD का जो STP निर्माणाधीन है उसका निरीक्षण किया था, और बाकी जो और नाले हैं उसका निरीक्षण किया था। तो ये पाया गया कि बाकी जो 3 जोन्स हैं उसमें अभी STP के काम चालू नहीं हुआ है। हाँ, अभी भी लगभग 6 नाले टैप हो पाए हैं, बाकी जो नाले हैं लगभग 14 नाले सीधे रामगंगा में जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।